नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल लगातार गर्मा रहा है, क्योंकि अब मुख्य विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी भी संघर्ष पर उतारू हो गई है, क्योंकि संघर्ष बिना जमीन को प्राप्त करना, जनता के बीच पहुंचना और अपनी उपस्थिति दर्ज कराना बहुत आवश्यक है। जनता अगर देखेगी नहीं तो जनता विश्वास कैसे करेगी। फिलहाल ये संघर्ष की पटकथा 14 तारीख सितंबर से रची गई थी। प्रयास किया गया था कि मार्च होगा, प्रदर्शन होगा, पर हाउस अरेस्ट के बाद ये रणनीति कारगर नहीं हो पाई। उसके बाद 19 मार्च को पदयात्रा विधानसभा तक, बदरियाबाग चौराहे पर रोकना, उसके बाद हंगामा और फिर सदन का स्थगित होना। इस पटकथा पर आगे चलेंगे तो कल भी तीखी नोक झोंक रही। अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार को स्वास्थ्य के मामलों पर घेरते नजर आए, तो योगी मुख्यमंत्री जो कि योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने जो बेहतर काम किए हैं वो किसी सरकार ने नहीं किए हैं और लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने काम कर रहे हैं। कोरोना के समय भी स्वास्थ्य सेवाओं को बरकरार रखते हुए और अर्थव्यवस्था को भी उसी मुस्तैदी के साथ संभाला है हमारी सरकार ने, इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं पर लेकर कोई हम पर कोई आरोप ना लगाए, इस तरह की बात योगी सरकार ने कही। तो वहीं धरना प्रदर्शन पर उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी से किसी भी नियम कायदे की उम्मीद करना कपोल कल्पना ही होगी। अगर आज की सत्र की बात करें तो आज जो सत्र का जो तीसरा दिन था, और तीसरे दिन भी यहाँ पर जो डिप्टी सीएम है, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उन्होंने अखिलेश यादव की स्वास्थ्य संबंधी जो उन्होंने आरोप लगाए थे उन पर पलटवार करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं ये हम बेहतर जानते हैं, लगातार जनता को यहाँ पर राहत देने का काम कर रहे हैं। और वहीं अखिलेश यादव पर तंज करते उन्होंने ये भी कहा कि अनर्गल बयानबाजी करके चर्चा में आना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि बिन पानी की मछली जैसे तड़प रहे हैं, सत्ता नहीं है, इसलिए ये इस तरह की बयानबाजी उनकी तड़प को दिखाती है। कुछ बयान सुनते हैं फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये सत्र की जो हमने आपको दिखाया कि ब्रजेश पाठक यहाँ पर अखिलेश यादव के साथ तीखी नोकझोंक हो रही थी, इस दौरान समाजवादी पार्टी के सरसों और हंगामा भी किया गया, जिस पर ब्रजेश पाठक ने उनको तंज करते हुए कहा कि दिमाग खराब ना हो, जो कह रहा हूँ वो सुनिए, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो रही है, अगर सरकार पर आरोप लगाए जाएंगे तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा और हमने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया है। फिलहाल ये मुद्दा बहुत अहम है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अब संघर्ष पर करना चाहती है। अभी फिलहाल अगर हम बात करें, जब 10 मार्च का रिजल्ट आया था उसके बाद से जो सरगर्मियाँ थी वह बहुत कम थी, उम्मीद की जा रही थी धरातल पर कब उतरेंगे, और यहाँ तक कि उनके जो साथी गठबंधन के रहे ओम प्रकाश राजभर, वो हमेशा कहते रहे कि अखिलेश यादव एसी से निकल कर कब आएंगे। फिलहाल अखिलेश यादव ने यहाँ पर रणनीति बनाई, मार्च किया, पैदल यात्रा की, धरना किया, और धरने के बाद अब घमासान इस समय सत्र में मचा हुआ है। चर्चा महत्वपूर्ण है और चर्चा में घमासान मेहमानों को हम जोड़ना चाहते हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो कड़ी रही इस चर्चा की, वो कड़ी यहाँ पर अखिलेश यादव की रणनीति थी, और वो शुरू से कहते चले आ रहे थे कि हम यहाँ पर सरकार को घेरने का पूरा प्रयास करेंगे। हालांकि अभी तक मुद्दा केवल स्वास्थ्य का ही उठाया गया। अगर रालोट की बात करें तो रालोट गन्ना किसानों के भुगतान की बात कही, पर महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर यह भी है कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हम मुद्दा उठाते हैं, पहुंचते हैं, सरकार पर आरोप लगाते हैं, पर तथ्यात्मक आंकड़े पेश नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं ये कमी है, और ये कमी के चलते उन पर पलटवार भी हुआ अखिलेश यादव पर। उनको कहा गया कि आप जो भी बात कह रहे हैं उसके तथ्य लेकर कहाँ आएंगे, तथ्य लेकर आए, आंकड़े लेकर आए, तब आप सरकार पर आरोप लगाएं। आप मेडिकल कॉलेज की बात करें, या दवाओं की बात करें, या मशीनों की बात करें, या जाँच की बात करें, जो बेहतर हम कर रहे हैं उस बेहतर को हम करते आ रहे हैं, और ये बेहतरी का प्रयास हमने चुनाव के समय भी किया, चुनाव से पहले भी किया। अगर पहले कार्यकाल की बात करें उस दौरान भी हमने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी इतना बेहतर काम किया कि जिसकी चर्चा वैश्विक स्तर पर हुई, लोगों ने योगी मॉडल की तारीफ की कि लोगों की जान बचाते हुए किस तरह बेहतर काम कर रहे हैं, किस तरह चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं,
ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे या हम विकास की बात नहीं करें तो निश्चित रूप से यहाँ पर जनता के साथ बेमानी होगा। जनता ने हमको 37 साल बाद दोबारा मौका दिया है सत्ता पे कुर्सी पर आसीन करने का, तो उसके साथ हम पूरा न्याय करते हुए यहाँ पर काम करेंगे। महत्वपूर्ण मुद्दा है और मुद्दे पर हमारे साथ मेहमान जुड़ने जा रहे हैं, आपको रूबरू करा दूँ। प्रवक्ता भाजपा से शमसी भाई आजाद अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा से रविंद्र प्रताप सिंह भाई अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता रालोट से वीर प्रकाश मिश्रा जी अपना पक्ष रखेंगे, मोहम्मद इखलाक प्रसपा से अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस ग्रुप में हम्मान भाई अपना पक्ष रखेंगे और प्रवक्ता आपसे सैयद मोहम्मद तकी भाई अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो पहला हमारा सवाल रहेगा वो रविंद्र प्रताप जी से रहेगा। रविंद्र भाई, देर आए दुरुस्त आए, रणनीति बनाई उसके बाद और अब लगातार सरकार को घेरने का प्रयास, क्या मानते हैं जो छः या सात महीने का जो अंतराल रहा, इस अंतराल पे भी और संघर्ष किया जा सकता था क्योंकि नगर निकाय चुनाव भी आ गए हैं और 24 के चुनाव में भी देर नहीं है, क्या मानते हैं? देखिए, हम राजनीतिक पार्टी हैं जी, तो निश्चित रूप से सत्ता प्राप्त करना हमारा लक्ष्य होता है जी। सत्ता प्राप्त करने के लिए जी या उसके दौरान अगर हम किसी भी जी जनहित के बिंदुओं को उठाते हैं जी, तो सरकार को उसको ध्यान से सुनना चाहिए जी। आज जो सदन में हुआ, जो आपका मुद्दा है जी, सदन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जी जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए जो कि सभी स्वास्थ्य से जुड़े हुए थे। स्ट्रेचर नहीं मिलता है जी, सीएससी पीएससी पे डॉक्टर नहीं है जी, एम्बुलेंस नहीं आती है। इन बातों को या तो उनको स्वीकार कर लेना चाहिए था, अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना था, इससे सरकार की कोई किरकिरी नहीं होती है, सुधार करने में कोई किरकिरी नहीं होती है। अच्छा, लेकिन जवाब क्या आया माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का, जो निहायत ही निंदनीय है जी, और जितनी भी भर्सना की जाए गलत है। उन्होंने जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा जी, उसको उन्होंने सड़क छाप शब्द दिया, जो असंवैधानिक शब्द भी है, संसदीय मर्यादा को तोड़ता है जी। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इससे पहले भी हो चुका है। बिल्कुल, पिछले कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रमुख विपक्षी दल जो हम लोग हैं समाजवादी पार्टी है, उसके रंग पे तंज कर दिया था। और अच्छा, सामान्य रंग नहीं है अच्छा, वो भगवान सूर्य का पहला रंग है, जो लालिमा होता है भगवान अच्छा, सूर्य का पहला रंग है अच्छा। वो घटना पहली बार ऐसी हुई थी भारतीय स्वतंत्र भारत के इतिहास के किसी भी सदन में कि प्रमुख विपक्षी पार्टी को गुंडा कहा गया अच्छा, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा जी। खाली प्रमुख विपक्षी पार्टी को गुंडा नहीं कहा, भगवान सूर्य के पहले जो लालिमा वाला रंग होता है उस पर भी तंज कर दिया कि लाल रंग जो है अच्छा, ये गुंडों का धोतक है अच्छा। तो ये इस प्रकार की जो मर्यादा सदन में सुचिता भंग, अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी सीएम, उनके बीच भी नोकझोंक हुई थी, महावे मर्यादा तार तार हुई थी, उस वाक्य को भी याद दिला दीजिए आप, वो शब्द बता दें अगर ऐसा लगता है जो अखिलेश यादव जी ने कहा। तो वीडियो सबने देखा, हमने भी देखा, आपने भी देखा, आप वो शब्द बता दें तो मैं उस पर जवाब दे दूंगा। अखिलेश यादव जी ने कहा था कि चुपचाप सुनिए, अगर नेता विपक्षी दल बोल रहे हैं जी, तो अच्छा यही होता है कि जमीन बेच के इस तरह का बयान, सदन की मर्यादा, सदन की मर्यादा छोड़ दी, हम लोग आपस में बैठे हुए हैं, यहाँ की भी यही एक मर्यादा है कि हम बोल रहे हैं तो दूसरा ना बोले, कोई यही अच्छा होता है, क्योंकि हम अपने लिए नहीं बोल रहे होते, हम जनता के लिए बोल रहे होते हैं जी। हम किसी की व्यक्तिगत रूप से भर्सना नहीं करते हैं जी। हम जनता की हम जनता के पक्ष में बोलते हैं जी। इससे इतर हटके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ भी नहीं बोला अच्छा। तो पहला तो उन्होंने मर्यादा भंग किया अच्छा, अब इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये जनता का बहुत बड़ा विषय नहीं होता है। जनता का विषय स्वास्थ्य सेवा था, अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के बड़बोलेपन पे जो गलती कर गए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, वो उन्होंने क्या बोला कि हमने 19,000 करोड़ रुपए बजट किया जी, और इनका 16 में बजट था 14,000 करोड़ रुपए अच्छा। वही बोल रही है, मेरा वर्जन तो है नहीं जी। अब ये बताएं 7 साल में, ये उनसे प्रश्न है कि 7 साल में केवल 5,000 करोड़ रुपए बजट कर पाए, जिस समय 16 में जब आबादी यहाँ की 21 करोड़ थी, तब 14,000 करोड़ था जी, आबादी 25 करोड़ से ऊपर ही जा रही है, अब बजट 19 करोड़ है जी। तो अपनी गलती तो खुद ही कर गए जी, उनसे पूछने की जरूरत नहीं है अच्छा।
कि 7 साल में केवल 5 करोड़ रुपए बढ़ा पाए। अच्छा, अब दूसरा विषय आ जाइए जी। जिस समय हम जी 14,000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, उस समय जो टोटल हमने बजट रखा था वो करीब 3,45,000 करोड़ था जी। उस पर हमने 14,000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य बजट रखा था। अच्छा। जो 0.0% टोटल बजट का है। अब जो टोटल बजट है वो है 5,45,000 करोड़ रुपया। अच्छा। इस पे वो बताते हैं कि हमने 19,000 करोड़ रुपया खर्च किया है जो टोटल बजट का 0.034% है। तो यहीं पर झूठ बोल रहे हैं वो कि उन्होंने बहुत ज्यादा। अच्छा, जो स्ट्रेचर वाली बात कही हो, तमाम बातें कही, दबाव वाली बात, ये आपकी सरकार में बेहतर थी उस समय स्ट्रेचर की व्यवस्था बेहतर। मुझे लगता है कि पहले जो उन्होंने उन लोगों ने कहा उस पे कर ले, हमारे में बेहतर थी। ये बगल में लोहिया है, अभी मैं उस पे आ जाऊंगा उस विषय पे जी। जो आप कह रहे हैं जी, वो लोहिया को लेके आऊंगा। तंज तो वही कसा गया था ना। हाँ, वही स्ट्रेचर और तमाम चीजों को। तंज नहीं है, वो जनता की समस्या है। आप जाइए लोहिया में, 1 रुपए पर्चा था तो समस्या 8 महीने बाद यार क्यों आई है? सुनिए तो, अब एक प्रश्न पूछिए। बोले बोले। आपने पूछा कि जो उन्होंने तंज किया वो तंज नहीं है। अच्छा। वो जनता की समस्या है। अच्छा। बगल में, हमारे बगल में लोहिया अस्पताल है। अच्छा। 1 रुपए पर्चा था जी, अब 100 रुपए का पर्चा हो गया जी, हो गया। एडमिशन 0 था जब भर्ती किया जाता था, अब 2,500 रुपए देना पड़ता है। ये जनता का मुद्दा नहीं है? तो आप जनता के मुद्दे को उतरे हैं क्या? आप लोग जनता के मुद्दे को उतरे? जनता के मुद्दे पे उतरे हैं हम। दो दो तीन चीजें और ऐड कर दें। बोले 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 बोले। अब ये तो बोल गए, जो बोल गए वो अपने में ही फंसते हैं जी। वो कहते हैं आंकड़े लेके नहीं बोलते, मैं आंकड़े लेके बोल रहा हूँ। बिल्कुल। अब इसका वो जवाब जब भी उचित समझेंगे, जवाब देंगे। मैं तो जवाब दूंगा नहीं। हाँ, वही जवाब देंगे। मैं माननीय ब्रजेश पाठक जी और उनकी पूरी टीम को कहूंगा, क्योंकि मैं प्रवक्ता जी से अपेक्षा नहीं कर सकता हूँ। अच्छा। क्योंकि इतना समय भी नहीं मिलता। उनके प्रतिनिधि है भाई, बिल्कुल जवाब देंगे। नहीं नहीं नहीं, समय नहीं मिलता उसके लिए, पढ़ना पड़ता है। अच्छा। उससे आंकड़े रखने पड़ते हैं। पढ़ के आया भाई, ठीक है, अपेक्षा करेंगे, अभी इसका जवाब देंगे। अब आ जाते हैं, केंद्र में उनकी सरकार है और नीति आयोग निर्धारण करती है स्वास्थ्य सेवाओं पे। बिल्कुल। उसने उत्तर प्रदेश को 19वें नंबर पे रखा हुआ है। इतनी अच्छी व्यवस्था है कि नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश को 19वें नंबर पे रख रखा है, और जिसमें नवजात शिशु का मृत्यु दर, 5 साल से कम शिशु मृत्यु का दर, और धात्री जो माता होती है जो बच्चों को जन्म देती है, मृत्यु दर सर्वाधिक है जी। अब आ जाते हैं, जो नेशनल एवरेज निकाल रखा है नीति आयोग ने, 1,00,000 लोगों पे 24 बेड। अच्छा। उत्तर प्रदेश में कितना है नीति आयोग बताती है, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। 1,00,000 लोगों पे 13 बेड है उत्तर प्रदेश में। अच्छा। इतना अच्छा काम किया है 6 सालों में। अच्छा। कि ये आंकड़े हैं उनके। अच्छा। अब आ जाते हैं, इसका परिणाम क्या किया है उन्होंने जी। अभी आप कोविड की बात कर रहे थे, बहस शुरू होने से पहले, कोविड में खाली खाली मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ, लखनऊ में इतने लोग मरे कि शमशान को घेर दिया गया। अच्छा। कोविड में दूसरा विषय है, झूठ बोला गया, 4.5 लाख पूरे भारत वर्ष में मरे, WHO ने कहा 8 गुना ज्यादा मृत्यु हुई है। ठीक। तो ये अब ये WHO जाने, भारत सरकार जाने, लोग लड़के सच आंकड़े प्रस्तुत करें। अब दूसरा बात आते हैं, कोविड में जो भी पैसा दिया गया है वो जनता का पैसा था, सरकार ने एक भी पैसा नहीं खर्च किया है। उसके लिए उन्होंने PM केयर फंड जेनरेट किया था, उसमें जनता से पैसा लिया गया, अधिकारियों से भी पैसा लिया गया, सब लोग दिए, और उसी से जो कुछ भी किया गया है, तो जो कुछ इन्होंने एक भी पैसा नहीं खर्च किया। ठीक है। दूसरे विषय पे आ जाते हैं, TB पेशेंट होता है उसको 500 रुपए देने के लिए योजना बनी थी, 500 रुपए 8 महीने से नहीं बने हैं, और आगे इन्होंने कह दिया अब हम नहीं दे सकते हैं। तो इन्होंने गोद लेने की परंपरा, मतलब फिर हम ही से पैसा लेंगे। आपको इतनी जानकारी रविंद्र भाई है, पर मेरा कहना यह है कि जब इतने अच्छा आपको खाका है, सब चीजें रिपोर्ट है, फिर इन रिपोर्टों को लेकर जनता के लिए संघर्ष क्यों नहीं किया जा रहा है? कर रहे हैं ना, सदन में कर रहे हैं वहां पर भाई। सदन में ही तो बताएंगे जी, आपने क्या पर नहीं आएंगे, धरातल पर नहीं आएंगे। धरातल पे हमसे ज्यादा तो जनता समझ रही है। तो हम तो 8 महीने से देख रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको, जनता कैसे समझी है। 98,000 आबाद गांव है। अच्छा। शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 98,000 आबाद गांव है, कोई गांव ऐसा नहीं जहाँ से एक आदमी ना मरा होगा। सरकार में अगर हिम्मत है जी, तो सरकार श्वेत पत्र जवाब लेता, जवाब सरकार श्वेत पत्र लेके आए, कोरोना में जो बहुत बड़े आंकड़े जी मृत्यु हुई है उस पे श्वेत पत्र लेके आवे जी। ठीक है, ठीक है रमन भाई, शमशी भाई, पूरा आंकड़ा दिया है, चीजें भी बताई हैं,
और बता रहे हैं कि सरकार का जो अब तक कार्यकाल रहा है बड़ा खराब रहा है, लोहिया में एक का पर्चा 100 का होता था। भाई क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या दिक्कत है भाई? बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर जी, और बहुत दिनों के बाद आपके चैनल पर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। देखिए, समाजवादी पार्टी को तो मैं अब समाजवादी पार्टी ही नहीं मानता। अच्छा। क्योंकि समाजवादी पार्टी जब वो तब हुआ करती थी जब जनेश्वर मिश्रा, मुलायम सिंह यादव और राम गोपाल यादव, आजम खां, आपके ये क्या कहते हैं कि शिवपाल यादव, ये सब लोग मिलकर उस पार्टी को चलाया करते थे। लेकिन अब इस पार्टी में जो है सिर्फ और सिर्फ एक नेता की चलती है। अच्छा। जिसको चाहे अहंकारवादी नेता कह दीजिए, चाहे ना समझ कह दीजिए। अच्छा। चाहे जिस भी तरीके से आप कह दीजिए, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री 2022 के चुनाव में जिस तरीके से उनकी तानाशाही चुनाव प्रचार में देखने को मिली, अभी तो वो सत्ता में आए भी नहीं थे। 2012 में हुआ यह था कि देखिये, मुलायम सिंह यादव की बोई हुई फसल थी जो उन्होंने बहुत ही बड़ा एक नरसंहार किया था, जिसको कहा जाता है कार सेवकों पर गोली चलवाकर सत्ता हासिल की थी, और किस तरीके से झूठ और फरेब के जाल में उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता को फंसाया था। उसका फलस्वरूप यह था कि एक बार जनता 2012 में समाजवादी पार्टी पर विश्वास करके आई। लेकिन हुआ ये कि उत्तर प्रदेश किस तरीके से दरिंदों के हाथ में चला गया था। आज हमारे प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के कहते हैं कि उनको लाल रंग सूर्य की लालिमा, ये लाल रंग नहीं, ये गुंडों का निशान है, ये माफियाओं का निशान है। जिस तरफ भी लाल रंग दिखता था उस वक्त उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 तक, तो उत्तर प्रदेश में उस तरफ से कोई यात्री, कोई महिलाएं सफर नहीं करती थी। और ये गुंडागर्दी हुआ करती थी कि थानों का घेराव कर लिया करते थे, थानों पर कब्जा कर लिया करते थे। थानेदार को हो, चाहे कोतवाल हो, चाहे CO हो, SP रैंक तक के अधिकारियों को इन लोगों ने थप्पड़ मारा है। माननीय प्रवक्ता महोदय बहुत ज्ञान की बात करते थे, तो उनको याद होगा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार ने गुंडागर्दी करके उत्तर प्रदेश में माफियाओं से हाथ मिलाकर, आज भी उनके गठबंधन दल के नेता किस तरीके से उत्तर प्रदेश के माफियाओं से हाथ मिला रहे हैं, विकास की बात करते हैं। अरे जब चुनाव आता है तब इनको जनता याद आती है। यही बात थी कि जनता ने दोबारा, एक बार नहीं दूसरी बार, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके आज उत्तर प्रदेश में जो अमन चैन बना हुआ है, उस पर जो विकास हो रहा है, उस पर जो देश में एक भाईचारे का मिसाल दी जा रही है, उस पर दोबारा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वोट देकर दोबारा से सत्ता में बैठा लाए। और आप रह जाती है स्वास्थ्य की बात, तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो डिप्टी CM है, 272 हॉस्पिटलों का उन्होंने निरीक्षण किया। ऐसा कोई मंत्री नहीं होगा कि जो अपनी पिछली सरकार की कमियों को निकाले और उन कमियों को उजागर करे। ये तारीफ़ काबिल है, जबकि उनका विरोध भी हुआ, अंदर से भी हुआ, बाहर से हुआ, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, बताने की जरूरत नहीं। लेकिन उसके बाद भी लगातार वो हॉस्पिटलों का निरीक्षण करते रहे, स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण करते रहे, और आज उत्तर प्रदेश में एक मानक के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाएं हैं, पूरी तरीके से चाक चौबंद है। लोहिया की मिसाल इन्होंने जरूर दिया, लेकिन बलरामपुर की मिसाल दिया कि जहां 1 रुपए का पर्चा बनता है। मैं खुद गया हूं, मैंने वहां पर बलरामपुर हॉस्पिटल में जिस सुविधा का मैंने वहां इलाज करवाया, उत्तर प्रदेश में काबिले तारीफ है। सिविल हॉस्पिटल की बात नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग उस गंदी मक्खी की तरह हैं जो जिस्म में सारी खूबसूरती को छोड़कर सिर्फ वहां पर जाकर बैठती है जहां पर गंदगी लगी रहती है। तो इनका काम यह है, और इनको जनता ने तरीके से समझा भी दिया है। यही नहीं, अखिलेश यादव लगातार 4 चुनाव हारते चले आए हैं, उसके बाद भी अगर उनका दिमाग अगर काम नहीं कर रहा है, तो ये समाजवादी पार्टी और अखिलेशवादी पार्टी के कार्यकर्ता ये जाने। भारतीय जनता पार्टी ने जो एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, और उसके साथ से दोबारा से सबका विश्वास जुटा है, और उसी पर उत्तर प्रदेश की जनता खुश है। यही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रवक्ता रालोट ग्रुप में हमारे भाई बैठे हुए मिश्रा जी, क्या मानते हैं जिस तरह से आज सदन में हंगामा हुआ और गन्ना किसानों के भुगतान की बात भी कही गई, प्रवक्ता सपा रविन भाई ने तमाम बातें कही कि स्वास्थ्य सेवा में कमियां हैं और उसको जाहिर करना हमारा काम है, आंकड़े प्रस्तुत किए, सदन में इस समय घमासान है और सरकार और विपक्ष की भी लगातार गहमा गहमी चल रही है, पर जो मुद्दे जनता के हैं उन मुद्दों को लिए अब धरातली संघर्ष कब होगा? मेरा मानना ये, क्योंकि चुनाव के बाद जो स्थिति रही है बड़ी शांत रही है, निकाय चुनाव आने वाले हैं और निकाय चुनाव के बाद अगले साल किसके बाद 24 के चुनाव है, महत्वपूर्ण चुनाव है, एक साल ही मानते हैं, 1.25 साल ही बचा है, 1 महीने 1 साल 7 महीने का समय बचा है, तो क्या मानते हैं कि आने वाले समय में रालोट की क्या स्थिति होने वाली है? क्योंकि निकाय चुनाव तो बताया है कि अकेले लड़ने वाले हैं। देखिए गौरव जी, जी सदन जो है प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है जी,
और विपक्ष को ये काम करना है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे और उनकी समस्याओं का ध्यानाकर्षण सरकार का हो, ये विपक्ष की नैतिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल। हम जब सदन में पहुंचते हैं जी, तो हम पहले से ये कोशिश करते हैं कि किन मुद्दों को सरकार के समक्ष हमें रखना है जी, और उन पर सरकार हमें ये जवाब दे जी, कि इन मामलों को हम कब तक निस्तारित करेंगे, इन समस्याओं का समाधान कब तक होगा। बेसिक बात ये है। रही बात हंगामे की, तो देखिए सदन में जब बात होती है पक्ष और विपक्ष के बीच में तो हंगामा भी होता है, मर्यादा भी लांग दी जाती है, लेकिन वो हंगामा मर्यादा के अंतर्गत हो। मर्यादा का बची है, मर्यादा कोई मर्यादा के अंतर्गत करता भाई, मर्यादा के अंतर्गत देखिए, मर्यादा का पालन करना दोनों पक्षों की नैतिक जिम्मेदारी है। मर्यादा कभी एक पक्ष से नहीं रह सकती। अगर विपक्ष अपनी बात कोई कहना चाहता है तो सरकार को विपक्ष की बात सुननी चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी जी। स्वास्थ्य सेवाओं की बात, मैं एक जगह का बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा। सीतापुर में ट्रामा सेंटर जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो बना था। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी सरकार का पूरा पिछला कार्यकाल व्यतीत हो गया, दूसरा कार्यकाल चल रहा है, लेकिन वो ट्रामा सेंटर आज तक चालू नहीं हो पाया। इस तरीके की परिस्थितियां कई जनपदों में है। रही बात स्वास्थ्य सेवाओं की, तो स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं, उसी में ये उजागर हो जाता है कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रदेश की बेहतर नहीं हैं। उनको बेहतर करने का वो प्रयास कर रहे हैं, स्वागत योग्य, अच्छी बात है, उनको करना चाहिए। पलटवार हो रहा है यहाँ पर, तो अब रही बात, देखिए पलटवार नहीं हो रहा है गौरव जी, केवल ये बताया जा रहा है कि सरकार को ये नहीं ये भी करना चाहिए। ये बात तो कही नहीं कि सदन लेकिन सरकार काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। देखिए निरीक्षण, इस तरीके का क्या निरीक्षण कर रहे हैं जब डॉक्टर नहीं? 272 भाई आप बताओ क्या निरीक्षण कर रहे हैं जब डॉक्टर नहीं? अच्छा। 3000 पेशेंट जिस अस्पताल की ओटी में आते हैं, अच्छा, उस वहां पर 4 डॉक्टर बैठे हुए हैं, अच्छा, और 4 टेबलेट आपके पास है, उन्हीं से आप सरदर्द से लगा करके कैंसर तक का इलाज कर रहे हैं। और आपके हमारे प्रदेश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी लगातार उसका निरीक्षण कर रहे हैं, ठीक है वो बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, करना चाहिए, प्रत्येक मंत्री की जिम्मेदारी है कि वो अच्छा करें, लेकिन अच्छा तो तब करेंगे जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। अच्छा। जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही आप नहीं तैयार कर रहे हैं, अच्छा, तो निरीक्षण आप किस चीज का कर रहे हैं? अच्छा। जिस PSC में गए वहां तो बड़ी बड़ी घास इनको स्वयं देखने को मिली। अच्छा। कार्रवाई की बात इन्होंने की, इनके CMO जो चिकित्सा विभाग के जिम्मेदार जिले के अधिकारी हैं, स्वास्थ्य मंत्री का फोन उठाने में उनको जितना समय लगा है, अच्छा, आप समझिए कि वो आम नागरिकों की बात को क्या सुनते होंगे। अच्छा। कम से कम अगर हम इस बात को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं तो सरकार को वो बात सुननी चाहिए, अच्छा, और उस पर अमल करना चाहिए। केवल विपक्ष का आग्रह तो यही है जी, लेकिन सरकार इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। अच्छा। सरकार विपक्ष की बात को न सुनना, विपक्ष की आवाज को दबाना और उनकी उपेक्षा करना, हास्यास्पद शब्दों का प्रयोग करना, ये सरकार को अच्छा नहीं लगता। भाई समझे भाई क्यों आवाज दबाते भाई आप लोग? नहीं आवाज है कहां? एक बात और है, समझी भाई, एक बात मैं थोड़ी सी और कह लूं, उसके बाद आप पूरी बात कहें। गन्ना किसानों का मुद्दा हमने सदन में उठाया, उसके साथ साथ हमने पीलीभीत का मुद्दा उठाया। वहां पर 75 साल से जो लोग बसे हुए हैं उसी तरीके से उत्तराखंड में लोग बसे हुए हैं। अच्छा। जो उत्तराखंड में लोग हैं उनको जमीन पर जमीन का अधिकार दे दिया गया। अच्छा। वो वहां के भूमधर हो गए। ठीक। अभी इस बारे में हमारा प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल महोदया जी से मिला था, हमने सदन में इस मामले को रखा, सरकार उसके ऊपर कोई उचित जवाब नहीं दे रही। अच्छा। कि हम करेंगे, हम देख रहे हैं। गन्ना किसानों के बारे में सरकार ने अपने मैनोफेस्टो में कहा कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान कराना सुनिश्चित करेंगे, अच्छी बात, लेकिन आज की तारीख में जो गन्ने का भुगतान बकाया है पिछले साल का, नया सीजन आने वाला है,
तो हम अपनी बात अगर ये सदन में रखते हैं कि गन्ने का भुगतान होना चाहिए, 36,000 करोड़ ने गन्ने किसानों का भुगतान भी कर दिया है, नहीं 16,000 करोड़ अभी बकाया भी है। अच्छा, और अभी का नहीं बकाया है, हाँ। इस सत्र का नहीं, पिछले सत्र का, पिछले साल का बकाया है, पिछले साल का बकाया है, उसके पहले तो भुगतान हो गया ना। तो सरकार देखिए, गन्ना जब 14 दिन में आप भुगतान की बात कर रहे हैं, तो पिछले सत्र का अगर बकाया है, मेरे ऊपर बिजली का बिल बकाया होता है, सरकार हमको हवालात में डाल देती है। बिल्कुल, लेकिन इन चीनी मिल वालों को तो सरकार ने हवालात में डाला नहीं, सरकार ने कहा कि हम ब्याज दिलाएंगे, सरकार ने ब्याज तो दिलाया नहीं, भुगतान कराया नहीं। तो हम सदन में विपक्ष के नाते जी, और किसानों की समस्याएं जो है उनको उठाना चाहते हैं, सरकार उसका सुने और उसका निस्तारण करे, बात सिर्फ इतनी उठा दे रही है। मोहम्मद इखलाक भाई जुड़े हुए पसपा से। इखलाक भाई, स्वागत है आपका। क्या मानते हैं, जिस तरह से सदन में घमासान चल रहा है और नेता प्रतिपक्ष यानी अखिलेश यादव लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं बयानबीरी भी चल रही है। अखिलेश भाजपा के ओम प्रकाश राजभर भी बयानबाजी कर रहे हैं, बयानबाजी अखिलेश यादव की तरफ से भी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के भी जो मंत्री है उनका भी जवाब जा रहा है। स्थिति क्या है, रणनीति क्या है, और आने वाले समय प्रतिपक्ष किस रणनीति के साथ जाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी से गठबंधन तो आप मेरे ख्याल से जो कल लल्लन राय का ही बयान आया था कि गठबंधन नहीं करेंगे, और यदुकुल पुनः जागरण भी शुरू कर दिए है यादव पक्ष को अपने साथ करने के लिए, क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए गौरव भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि विधानसभा में देखिए बहस होना चाहिए जी, विधानसभा में बहस होना चाहिए, आरोप और प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए जी। अगर विपक्ष सरकार को कोई चीजें दिखा रहा है, सामने रख रहा है, तो सरकार को ये नहीं करना चाहिए कि आपकी सरकार में ऐसा था या आपकी सरकार में ऐसा था जी। अरे भाई, आपकी इस वक्त सरकार है, आपकी सरकार में स्थिति कैसी है जी, उस पर ध्यान देना चाहिए। जनता ने तो आपको वोट दे के सत्ता में बैठाया है जी, उत्तर प्रदेश को आपके हाथों में सौंपा है जी, तो सरकार को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। और देखिए, जो बहस हुई अभी मैं सुन भी रहा था कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहस हुई, बिल्कुल बहस होनी चाहिए जी। विपक्ष का काम ही होता है सड़क से लेके सदन तक जनता की लड़ाई लड़ने का जी। अब वो समाजवादी पार्टी देर कर रही है या नहीं लड़ रही, वो उनका विषय, हमारा विषय नहीं। देर कर रही है, मगर आवाज उठाया अच्छा, तो मैं उसका स्वागत करता हूँ सदन में। और केवल स्वास्थ्य समस्या नहीं, महिलाओं के समस्या में भी आवाज स्वागत ही करते रहेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। भैया आप भी विपक्ष में हैं भैया, गौरव भाई करते रहेंगे, जनता के मुद्दों को लेकर उठाएंगे, हमारे नेता खुद सदन में हैं। अरे भैया आप भी विपक्ष में हैं, आपको स्वास्थ्य सेवा नहीं देख रहे क्या? वो अकेले सक्षम है। अच्छा, सक्षम है, अकेले सक्षम है वो जी। रही दूसरी बात मैं बता दूं कि देखिए, स्वास्थ्य में बहस होती होनी चाहिए, महिलाओं के मुद्दे भी बहस होनी चाहिए। किस तरीके से भी लखीमपुर में दो नाबालिग दलित समुदाय बेटी को मार के लटका दिया गया बलात्कार करके, बहुत दुखद घटना थी। कोई गया नहीं, पर बहस हो, खराब पूर्ति हुई है वहां पर, कोई गया नहीं। बड़े बड़े लखीमपुर टिकुनिया कांड में सब लोग दौड़ लगा रहे थे, प्रतिस्पर्धा चल रही थी, कौन पहले पहुंचेगा, और भाई यहाँ पर तो कोई नहीं गया, बस अपने प्रतिनिधिमंडल भेज दिए बस खाना पूर्ति करने के लिए। वही मैंने कहा कि उस पर बहस होनी चाहिए। छात्रों पे किस तरीके से आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 400% फीस वृद्धि करी गई, कई छात्रों पे पानी के टैंकर से बौछार किया गया, लाठियां चली, उस पर बहस होनी चाहिए। किसानों को लेके बहस होनी चाहिए, मगर आरोप और प्रत्यारोप नहीं होनी चाहिए भाई। समाजवादी पार्टी आज विपक्ष में बहस ही करेंगे या प्रदर्शन भी करेंगे भाई? मैंने वही आपसे कहा, समाजवादी पार्टी, अगर आपको लग रहा है कि छात्रों से गलत हो रहा है, तो आप भी जाइए बैठिए उनके साथ भाई, धरने पर आप भी जोड़ा सा वहां पर संघर्ष करिए भाई। हमारे नेता तो इस तरीके के, अगर रास्ते में चल रहे हैं कोई संघर्ष कर रहा, तो उसके देख साथ कहां चल रहे हैं, किसानों, मैं आपको फोटो भेजूंगा गौरव भाई, किसानों के साथ किस तरह समाधि में बैठे थे, वो समाधि में जाके बैठे हैं। अभी आप छात्रों की बात कर रहे हैं, प्रयागराज की बात, आपने प्रयागराज की बात की, उसी बात का जवाब दे रहा हूँ मैं तो। मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, सरकार देखिए, अगर मुस्कुराएंगे, ये मुस्कुराना भी चाहिए, मगर जनता अगर पीड़ित है तो मुस्कुराना नहीं चाहिए। अच्छा, अगर आपको विपक्ष बनाया है जनता ने, तो आप बात करिए, यादव समाज पे ना जाने कितने मुकदमे लिख दिए गए, समाजवादी पार्टी शांत रही, अल्पसंख्यक समाज पे ना जाने कितने मुकदमे लिख दिए गए, समाजवादी शांत रही, आज पैदल मार्च करके जा रहे हैं। और हमारे नेता दाणी शिवपाल सिंह यादव साहब, यदुकुल मुल्ला जागरण मंच, मैं बार बार कह रहा हूँ, केवल यादव समाज को नहीं, हर वर्ग जो वंचित सोच, अरे यदुकुल का नाम रखे हैं, सर्वकुल रख लेते भाई, सर्वधम रख लेते, यदुकुल यदु भगवान श्री कृष्ण जी का नाम था, तो उसपे तो मैं कहता हूँ कि सवाल जवाब नहीं होना चाहिए। और देखिए, सरकार को भी ये चीज ध्यान में रखना चाहिए कि अगर विपक्ष कुछ कह रहा है तो उसको समझें। अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने, कोई नहीं कह रहा भाई,
मैं कह रहा हूँ अगर केवल विपक्ष कुछ कह रहा है तो उसको समझे भाई, आपको जनता ने बनाया है जी, ठीक है। इस घमंड में ना रहे कि आप जाने वाले नहीं। और रही दूसरी बात, रही दूसरी बात कि अभी आपने कहा कि केवल अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, भाई हमारे नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखते रहे, उनको बताते रहे, उन्होंने हमेशा सरकार की तारीफ करी, जो गलत कार हुए हैं भ्रष्टाचारी भ्रष्ट कार्य कर रहे हैं उससे भी अवगत कराया। ठीक है ठीक है ठीक है। हमाम भाई कांग्रेस पार्टी जुड़े हुए हैं। हमाम भाई, भाई आपको तो अंदरूनी कलाई बहुत चल रही है, क्या कहूँ, कांग्रेस पार्टी के लिए समय अपना प्यारे लोगों को जोड़ते रहिए, वहाँ भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है तो प्रदेश में तो हम स्थिति देख रहे हैं, अन्यथा मत लीजिएगा इस बात को, पर कैसी रणनीति बनाने वाले भाई आगे बाकी, क्योंकि सदन में बहुत ज़्यादा मौजूदगी है नहीं, घेर नहीं सकते हैं, पर बात उठाना तो लाजमी है, पर बात भी नहीं उठ रही है, क्या मानते हैं जी? सुन रहा था जी, उस तरीके से इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता सांबित पात्रा जी, जी आग में पट्टी बांध के जी सिर्फ भाषण जीवी में ये लोग विश्वास रखते हैं, भाषण देते हैं, ठीक उसी तरीके से ये लोग भी सीख रहे हैं। इनकी आँख में पट्टी बंधी हुई है, पूरा प्रदेश, प्रदेश नहीं पूरा देश महंगाई से तरस है। अच्छा। महंगाई हमारे कांग्रेस के दौर में कहाँ थी, आज कहाँ पहुँच चुकी है। बेरोजगारी में उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश 45 साल की सर्वाधिक बेरोजगारी बेरोजगारी में जूझ रहा है उत्तर प्रदेश में। कोरोना काल में वापस आए जी, यहाँ के मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि हम रोजगार देंगे जी, को रोजगार मिला जी, तो वो ने पहले 5 साल में और इस साल एक भी इंडस्ट्री लगाई हो तो बता दीजिए जी, इसका इन्होंने शिलान्यास किया और उद्घाटन किया हो। तो कांग्रेस के कताई मिल, शुगर मिल जो लगाया था उसको ये सरकार ने बेचने का काम किया है। अच्छा। तो ये रोजगार महंगाई इस पे चर्चा नहीं करेंगे, ये सिर्फ भाषण देने में विचार। तो महंगाई के लिए आप सिलेंडर लेके क्यों नहीं बैठते भाई, स्मृति ईरानी की जैसे? प्रदेश महोदय आपका नंबर आएगा जी, बोलिए। की बात है तो सरकार है लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है, तानाशाही में विश्वास। अच्छा, अब आप बताइए विधानसभा खोलो, हमारे विधायक मंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना जी पैदल कूच कर रही थी। अच्छा, तो सैकड़ों हजारों की तादाद में पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी। अच्छा, क्या है भाई कानून व्यवस्था बनाने की प्रयास है, मंत्री जी बड़ा बड़ा उद्बोधन देते हैं। अच्छा, और ये लोग चर्चा की, इतना बड़ा प्रदेश, इतने सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, इलाहाबाद में 400 गुना फीस बढ़ा दी गई। आप गए थे इलाहाबाद? कांग्रेस वाले गए थे इलाहाबाद आवाज उठाने के लिए छात्रों की, जनता वो भी है भाई, 400 गुना बढ़ती है महंगाई लखीमपुर। अरे डिबेट में भाई आप गए थे वहाँ पर, आप इलाहाबाद गए थे, आप प्रयागराज गए थे वहाँ पर बात रखने के लिए। पार्टी ने पहले ही मांग की थी कि ये जो अवधि है टाइम है उसको बढ़ाया जाए, 4 दिन का समय, 4 दिन के लिए विधानसभा खोली गई, उसमें भी एक माननीय सदस्य के निधन की वजह से 1 दिन कार्यवाही रोक दी गई, 3 दिन का समय बचा। हमारे नेता विधानमंडल की आराधना मिश्रा मोना जी जो भी मांगे की सरकार के मंत्री और सरकार ने जवाब नहीं दिया, ये जवाबदेही वाली सरकार नहीं है। अच्छा, लोकतंत्र को दबाने वाली, आवाजों को दबाने वाली, ना तो इनके राज्य में प्रदर्शन कर सकते हैं, ना बात रख सकते हैं, ना विधानसभा में। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि हमें संसद में बोलने नहीं दिया जाता, रखने के देश पे भी इनका कंट्रोल है कि हम भारत जोड़ो निकले, भारत के लोगों के बीच में जाके देश के जो ज्वलंत मुद्दे, विपक्ष क्या पूछ के प्रदर्शन करेगा क्या, देश करा रहा उसे अवगत कराएंगे। और ये अहंकार हमाम भाई, बार बार जनमत विश्वास की बात करते हैं, ठीक है जीता, हमने ठीक है, हो गया बिल्कुल, आपको हो गया लेकिन विधानसभा चलाने के लिए दी गई थी जी, बंद करने के लिए। अच्छा ठीक है, ये बताइए हमाम भाई, जवाब मेरा सवाल तो ले लीजिए हमाम भाई, ये बताइए क्या विपक्ष का सरकार से पूछ के प्रदर्शन करेगा, अगर फीस बढ़ाई गई है तो विपक्ष क्यों नहीं जा रहा है प्रयागराज, छात्रों से खड़ा क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कर खड़ा है, हमारे विधानसभा में सवाल पूछ रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा। लखीमपुर घटना पे हम महिला पे चर्चा कराना चाह रहे थे, क्या कार्रवाई? अरे मैं तो किया था, कोई गए नहीं वहाँ पर। अरे सवाल हमारी पार्टी के भाई, मैं बताना चाहूंगा हमारी पार्टी डेलीगेशन गया था, बात करते हैं, मैं तो कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, सुरक्षा की बात करते हैं, आपको मुझे पता है, आपको पता है तभी आप पे बात नहीं किया मैंने जी जी। ठीक है हमाम भाई, ठीक है, प्रवक्ता आप तकी भाई जुड़े हुए हैं, तकी भाई, भाई आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस खूब चल रही है लवा के समय, और प्रयास किया जा रहा है सरकार को घेरने का, मुद्दे कही है छात्रों का, वहाँ संघर्ष भी चल रहा है प्रयागराज में, पर अभी तक कोई भी पार्टी का एक ऐसा कारवा नहीं दिखा वहाँ पर जो छात्रों के साथ बहुत खड़ा नजर आए कि
कि हम तुम्हारे साथ है, जनता वो भी है, नहीं जाना चाहिए क्या? या पूछना चाहिए आम आदमी पार्टी जी के विभिन्न प्रकोष्ठ हैं, हाँ, और हर प्रकोष्ठ के लोग वहाँ जो है जी आवाज वो कर रही है आपकी, आ रही आ रही, बोलिए 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 तकी भाई जी, अधिकारी हैं और सब अपना तय निभाते रहते हैं। हम लोग अभी लखीमपुर वाले प्रकरण में भी हमारे जो है प्रतिनिधिमंडल गया था, आप देखा था पेपर भी आया था जी, तो प्रधान हमारे प्रधान जी हैं वो गए थे वहाँ पे, उन लोगों से बात भी करी और वो उनकी आखिरी अंतिम यात्रा में भी शामिल हुए। अच्छा। जो जिस युवती के साथ, दो युवतियों ने उसके ऊपर कहा गया है कि उन्होंने जो है फांसी लगा ली जी, तो उसके साथ अंतिम यात्रा में भी शामिल हुए थे और हमारे सीवाईएसएस के जो अध्यक्ष है और सीवाईएस है वो लगातार इलाहाबाद के अंदर शामिल है आंदोलन में और लगातार हम लोग अपडेट्स आ रही है, हम लोग वहाँ पूरी तरह मदद कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश, अब वीडियो और वीडियो पिक्चर नहीं आई मेरे पास, जानकारी नहीं आई तकी भाई, वीडियो पिक्चर मैं आपको भेज दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं जी, मैं आपको चीजें भेज दूंगा, लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी हर परेशानी में, जहाँ भी परेशानियां हैं, जहाँ भी जनता को टाइम दम कर रही है, आम आदमी पार्टी लगातार खड़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, लोगों को अमीर बना रही है, जनता का पैसा लूट रही है। अच्छा। टैक्स का टेररिज्म जो है उत्तर पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया हुआ है, ये दोस्तवाद से घिरी पार्टी है, ये दोस्तों के लिए काम करती है और जनता को जब अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को राहत देती है तो उसको फ्री बीस कह के कहते हैं, क्या चाहते हैं ये? अच्छा। जनता को अगर हम कुछ फ्री दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी को तकलीफ क्यों होती है, क्यों परेशान है? प्रधानमंत्री जी महंगाई से नहीं लड़ पा रहे, बेरोजगारी से यूपी जनता ने बिजली नहीं ली आपसे, मना कर दिया आपको, लेकिन आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल से लड़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जब जाते हैं वहाँ पे गुजरात में तो उनके खिलाफ, उनके एयरपोर्ट पहुंचते ही नारे लगने लगते हैं। अच्छा। उनको समारोह करने नहीं जाता, उनको रोका जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी जो है उसका बहुत बुरा हाल है। 2024 में जनता भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहने वाली है। अच्छा। कौन आ रहा है 24 में भाई, क्योंकि जनता परेशान है 24 में, कौन आ रहा है महागठबंधन, कौन नेता बनेगा तकी भाई? देखिए आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जो है मुख्य चेहरा नेता बन के उभरेंगे। नीतीश कुमार जो फेरा लगा रहा है इस समय दिल्ली में, सबसे मिल रहा है क्या माना गुजरात में, सबसे पहले अनाउंसमेंट हमारे आम आदमी पार्टी के संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल ने किया था, उसके बाद धीरे धीरे जो है लोग उनके साथ आ रहे हैं, नीतीश कुमार जी भी आ रहे हैं, ममता बनर्जी भी जा रही है और देखिएगा आने वाले समय में राहुल गांधी भी आम आदमी पार्टी के साथ आ जाएंगे। अच्छा। क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी गठबंधन बनाएगी, महागठबंधन, केजरीवाल जी चेहरा होंगे, क्या बात है, अरविंद केजरीवाल बन के उभरेंगे जी, और उनके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी। अच्छा। और आम लोगों की, आम जनता की सरकार बनाएगी। ठीक है, शमशी भाई बताएंगे भाई, बड़ा बयान है यहाँ पर, ठीक है अब तक भाई, ठीक है, जहाँ पे जनता को राहत मिलेगी, जनता को डीजल पेट्रोल सस्ता मिलेगा, ठीक है, जनता को जो टैक्स टैरिफ जो भरना वो उससे, दिल्ली में राहत दी आपने कुछ, पुरानी दिल्ली में राहत दी है पेट्रोल डीजल में? आम आदमी पार्टी सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में आपने राहत दी की बताइए हमको, पेट्रोल डीजल में सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने डीजल, हमारी बात जवाब बातें जवाब नहीं देते, वहाँ कितना सस्ता कर दिया, जवाब दे रहे ना आपको, बोलिए बोलिए, सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने पूरे देश में सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने डीजल में 7-8 रुपए की कटौती करके दिल्ली की जनता को राहत दी थी, आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, पढ़ा 8 ही रुपए चल रहा है। पार्टी ने बिजली में राहत दी, बिजली फ्री कर दी, आम आदमी पार्टी ने पानी में राहत दी, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बिजली फ्री करी, आम आदमी पार्टी ओल्ड पेंशन बहाल करने वाली है पंजाब में, यूपी में नहीं कर पाए, सिपाही में नियुक्ति कर रही है, ठीक है, ठीक है, लगातार जनता के दल में शामिल हम बीजेपी नहीं है, ठीक है, कि गंगा जो है शो वाहिनी हो गई और स्वास्थ्य कैसा बुरा, ठीक है, जवाब देता हूँ तकी भाई, समय कम है, जवाब लेता हूँ सरकार इतने बेशरम लोग है, ठीक है, सब होने के बाद भी कह रहे हैं की सबसे अच्छी हमारी है, चलिए ठीक है समझी भाई, यहाँ पर चौथा घेरे हुए भाई, सभी लोग आप पे आरोप लगा रहे, क्या भाई क्या दिक्कत है, घेरे हुए, देखिए केजरीवाल जी आपको जो टक्कर देने वाले हुए वो लोग हैं जो कमजोर हैं। अच्छा। ठीक है, कमजोर लोग घेरे हुए, किसको घेरे हुए? भारतीय जनता पार्टी को, जो अपना निष्पक्ष और मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के साथ हिंदुस्तान के कई सूबों में और केंद्र हो गया, केंद्र में लगातार अपना मजबूती के साथ, क्यों? क्योंकि हम जनता के साथ जुटे हैं। आप भाई साहब अच्छे तरीके से जानते हो गौरव जी की भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं होता है कि उनका कोई
कार्यक्रम न चले, हम लगातार जनता के बीच में रहते हैं, इसलिए जनता की कमियों को, जनता की जरूरतों को अच्छी तरीके से जानते हैं। भाई साहब हमारे तकी भाई बता रहे थे देश की बात और जनता की बात, इन्होंने यही किया है कि सिर्फ और सिर्फ शराब का कारोबार किया है। जैसे इनकी सरकार पंजाब में बनी, इन्होंने देखा कि वहां पर शराब का कारोबार बहुत तेजी के साथ फल रहा फूल रहा है, वही नीति लेकर जो दिल्ली में है, जिसका इनको घोर सामना करना पड़ा और जनता ने इनका कड़ा विरोध किया, जिसके साथ इन्होंने कुछ ना कुछ नियमों में कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ सुनिए, बोलना बड़ा अच्छा लगता है, बोलना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब सफाई देने वाला खुद फंस जाता है, एक सबूत नहीं ला पाए, ना ना एक सबूत, इतने सबूत निकले हैं कि आप पूछे नहीं, झूठी पार्टी है, झूठ से बनी पार्टी है, इसका एक झूठ सामने आके जनता के सामने ये कुछ साबित नहीं कर पाए, ये सबके सामने ये बातें कर रहे हैं, खाली बहुत खाली बातें कर रहे हैं, कहीं से भी कोर्ट के अंदर एक सबूत नहीं दे पाए, मीडिया में आके चिल्लाते हैं, शोर मचाते नहीं, कोर्ट के अंदर जाके माफी मांगते हैं, कोर्ट में इनको फटकार पड़ती है, डांट पड़ती है, किस तरीके से हो गई है, इनके इनके लोग अलग अलग बयान देते हैं, कभी कहते हैं 14,000 घोटाला है, कभी कहते हैं 1400 का घोटाला, कभी 1100 रुपए घोटाला, और बाद में एक दूसरी बहन कहती है एक करोड़ घोटाला है, और स्वास्थ्य सेवा का तो खैर अल्लाह ही मालिक है। आप तकी भाई सबसे पहले एक इंसान है, पार्टी के कार्यकर्ता होने की बात न करिए, आप इंसान है, और इंसानियत की बात करिए, हमेशा हमेशा देश के विकास की बात करिए, आप इतना झूठ बोलते हैं, सामने जाते हैं पार्टी सबसे ईमानदार पार्टी है, एक दाग नहीं लगा पाया, आप परेशान है कि आम आदमी पार्टी पिछले 8 साल से इतनी ईमानदारी से कैसे काम कर रही है, जब हमारे येदियुरप्पा जैसे भ्रष्टाचारी लोग है, जब आसाम का मुख्यमंत्री हमारा भ्रष्टाचारी है, तो कैसे आम आदमी पार्टी का कर पा रही है, आप पर दिल्ली की क्या व्यवस्था है, जो दिल्ली गया है वो अच्छी तरीके से जानता है, अभी आपके चीफ मिनिस्टर के साथ क्या हुआ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उनको जहाज से उतार दिया गया, क्यों, हिंदुस्तान लिखा हुआ है कि किस तरीके से वो शराब का कारोबार झूठ भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाने में नंबर वन है, ये देखिए लुफ्तांसा एयरलाइंस का ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इन्होंने साफ साफ दिखा रखा है एयरलाइंस ने कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठी कमेटी बैठा रहे हैं, झूठ बकवास कर रहे हैं, लुफ्तांसा एयरलाइंस इसलिए डिले हुई थी, फ्लाइट के आने जाने की वजह से डिले हो गई थी, ये सामने झूठ बोलते हैं, और सत्येन जैन के मामले में आपको बताता हूँ, सत्येन जैन के मामले में आज कोर्ट ने हटाया है कि कैसे बिना सबूतों उनके ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं, कहां क्रिमिनलिटी कहां पे हो गया, कहां चार्जेस है, और इन्हीं बीजेपी के लीडर देखिए पैसा लेते हो पकड़े गए, रिपोर्ट आई है, पकड़ा जाएगा वो सलाखों के पीछे जाएगा, भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़े से बड़े नेताओं के ऊपर अगर दाग लगा है तो उसको फौरन किनारे कर दिया, किसी की जिम्मेदारी या किसी को बचाने का काम नहीं किया है। ठीक है, इकलाक भाई कुछ बोलना चाह रहे थे, जल्दी बोलिए। देखिए गौरव भाई मैं ये बोल रहा था, सतीश कुमार देखिए ऐसा तो है, ये बीजेपी के इससे कोई चीजें नहीं हो रही हैं, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो सरकार हो, इस पे कैसे काम करें कि हम उत्तर प्रदेश और देश को उत्तम प्रदेश और उज्जवल भविष्य पे कैसे ले जाएं। अच्छा, जैसे हमारे भाई भाजपा के कह रहे थे, अभी मैंने सुना, क्या एक बार भी इन्होंने बोला कि इलाहाबाद में छात्रों पे 400% फीस बढ़ा दी, उस पर कुछ बोला? जी एक बार नहीं बोला जी। तो अपनी आवाजें बुलंद करिए, आप अच्छे काम करिए, आवाज बुलंद करिए, मैं दावे से कहता हूँ मैं आपका साथ दूंगा। अच्छा, मगर आप गलत बातों को तेज आवाज से बोल के सही बातें नहीं दबा सकते हैं। किस तरीके से उत्तर प्रदेश आज बेहाल हो रहा है, परेशान हो रहा है, उस पर भी ध्यान दीजिए, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महिलाओं पे अपराध चरम सीमा पे है, अब तो छात्र अपनी पढ़ाई के लिए खुद लड़ रहे हैं, मतलब छात्र लड़े और फिर पढ़े उसके बाद भी उसको रोजगार ना मिले। अच्छा, तो थोड़ा मुझे आपसे निवेदन है कि उत्तर प्रदेश पे ध्यान दीजिए साहब, विचार और जो एडवर्टाइजमेंट है इस पे ध्यान ना दीजिए, मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे। जी खम्मा भाई कुछ कहना चाहेंगे, बोलिए। तमाम भाई के बारे में यही कहेंगे कि देश को तोड़ने वाले आज देश को नारा दे रहे हैं, देश को जोड़ने का, संगठन को जोड़िए, अपने नेताओं को जोड़िए, उसके बाद हमारा 75 जिलों में संगठन है। देश टूटा ही नहीं है, देश को तोड़ने वाले आप हैं और आप कह रहे हैं कि देश जोड़ने वाली बात करें, ये आप अपने संगठन को जिंदा करने के लिए आप वही लोग हैं। आप छोड़ दीजिए, आप
छात्रों में बात करिए, आप छात्रों पे बात करिए, संगठन की बात करिए, नेताओं को पहले हमारे संगठन को क्या हमारे संगठन चलाएंगे भाई, संगठन से बात करेंगे, छात्रों से बात करिए, अपराध बात करिए, बेरोजगारी बात करिए, क्यों नहीं करते हैं भाग के जाते हैं बात करिए, भारत के ताने बाने को तोड़ने का काम किया। ठीक है, देख लिया देख लिया, वीडियो बहुत सा, मेरे पास भी वीडियो है, वीडियो नहीं दिखाएंगे यहाँ पर। गौरव भाई, हम सब चीजें सही है, मैं बात करना चाहूंगा, आप सब बातें ठीक कह रहे हैं भाई साहब, आप किस छात्रों पे बात करिए, आप महिलाओं पे हो रहे अपराध को बात करिए, आप दूसरे के संगठन है नहीं है, वो हमारा काम है, संगठन बनाना हमारा काम है, सड़कों पर आप क्यों नहीं निकल रहे, अरे आप, आपको नहीं दिख रहा है, आप कहाँ निकल रहे, किस तरीके आपका प्रशासन हिंदू मुस्लिम क्या जवाब दें? इखलाक भाई तो वही है की अभी न इधर के हुए न उधर के हुए, अभी उनको खुद समझ में नहीं आ रहा इखलाक भाई को की हम किधर जाए, पहले अपना हम जिधर भी रहेंगे आप तय कर लीजिए, पहले जनता की आवाज उठाते रहेंगे, हर गरीब हर मजलूम हर परेशान की आवाज उठाते रहेंगे, आप भतीजे के साथ भतीजे के खिलाफ हमारे पे मत देखिए, सबसे पहले तो अगर आप भतीजे के खिलाफ हैं तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए विधानसभा से, और उसके बाद हमारे आप छात्र पे बात करिए भाई, हम तो छात्र, गौरव भाई आप छात्र पे बात कराइए इनसे, अरे छात्र पे आप छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए, अरे आप छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, आप छात्र पे करिए, वो तो यादवों को जोड़ने की खाली बात कर रहे हैं, छात्रों पे आप वो नहीं दिख रहा है आपको, उन्होंने गौरव जी ने कहा कि जब जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने अच्छे काम किए, हमारे नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब ने हमेशा तारीफ की है, हमेशा माननीय योगी जी की तारीफ की है कि वो ईमानदार हैं, और जब जब उत्तर प्रदेश सरकार में ऐसे काम हुए तो उन्होंने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है, हमारे नेता का एक ही सपना है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की ओर ले जाए, चाहे हम सत्ता में रहे चाहे हम विपक्ष में रहे, अब इन लोग को जो ये हमारे कुछ लोग बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, इन लोग को चीज दिखती नहीं है, छात्र के ऊपर अपराध नहीं दिख रहा, महिलाओं के ऊपर अपेक्षा करूंगा से कम इस डिबेट का जो संसदीय आचरण उसको भंग न किया हो जाए, जो पिछले बहुत देर से हो रहा था, अपेक्षा करूंगा कि इसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व भी सामने जाता है, पार्टी की प्रतिष्ठा भी जाती है, मैं बोलूंगा सुन लेगा कोई, बाद में बोल लेगा तो अच्छा होगा, पूरी के पूरी हमारी जो डिबेट थी आज, इसको डिरेल किया जा रहा तमाम विषयों के लेके, जो जो हमारा विषय था स्वास्थ्य था जी, और ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे को स्वास्थ्य के रूप में उभारा गया था, मैं उसी पे केंद्रित रहूंगा, आगे नहीं रहूंगा, जहां आपने मुझे रोक दिया था फिर मैं वहीं से आगे बढ़ूंगा। स्वास्थ्य व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का नीति आयोग ने किस तरीके से पोल खोला वो मैं आपको बता चुका हूँ, उसमें एक चीज नहीं बता पाया था जी, बोले अभी आदरणीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री, केंद्र सरकार ने कहा कि हमारे पास 854 मरीज पे एक बेड है, ये जो बेड है ये राष्ट्रीय है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई आंकड़ा नहीं जारी किया है, विभिन्न सूत्रों से जो है पता लगा हुआ कि लगभग 1700 मरीज पे एक बेड है, फिर जो 800 ये डॉक्टर्स के मैं बता रहा हूँ, मैं फिर से अपनी बातों को वापस लेता हूँ कि 854 मरीज पे एक डॉक्टर है राष्ट्रीय स्तर पे, उत्तर प्रदेश में 1700 मरीज पे एक डॉक्टर हैं, वो भी सीमित हैं बड़े शहरों तक जी। तो हमारा जो जनता है वो 70% जनता गांव तक रहती है, वहां तक हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही हैं, हमें छोड़ दीजिए, इसका आदरणीय विदेश पाठक जी ने खुद ही उद्घाटन किया है, खुद ही बताया है कि इस प्रकार से घटनाएं घटित हो रही हैं, वो बाराबंकी गए हों, रायबरेली गए हों, सीतापुर गए हों, जहां भी गए हैं,
वहाँ सब जगह अनुपस्थित मिले हैं, वो खुद लाइन में लग के उन्होंने पर्चा बनवाया है और एक एक घंटा ये लखनऊ जैसे शहर में, अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे केजीएमसी में, तो केजीएमसी और बलरामपुर तक में उनको आधा आधा पौन पौन घंटा लाइन में लगा रहना पड़ा है पर्चा बनवाने के लिए। एक वास्तविकता, दूसरी वास्तविकता का उन्होंने जो पर्दाफाश किया कि पिछली सरकार में कितना भ्रष्टाचार था, जब आदरणीय जयप्रताप जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे तब उन्होंने दो जगह बड़े छापे मारे, एक लोहिया संस्थान में छापा मारा, वहाँ 50 लाख के लगभग एक्सपायर्ड ड्रग मिली, फिर जो सेंट्रल मेडिकल स्टोर है उस पे छापा मारा ट्रांसपोर्ट नगर में, वहाँ करीब 16 करोड़ की दवाएं मिली, वो भी एक सीमेंट की दुकान पे जी। तो ये उन्होंने खुद बताया कितना बड़ा भ्रष्टाचार था। तीसरे भ्रष्टाचार की पोल उन्होंने खुद खोली जब ट्रांसफर हुआ, और इस योगी पार्ट सेकेंड में जो ट्रांसफर हुआ डॉक्टरों का, ट्रांसफर कैसे होता है, जो जो डॉक्टर और जो पैरामेडिकल स्टाफ मर गया उसका भी ट्रांसफर हो जाता है, एक डॉक्टर का दो जगह ट्रांसफर हो जाता है, उनके पत्र लिखने के बावजूद, विरोध करने के बावजूद भी उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं होता है, उसके लिए उन्हें केंद्र सरकार के पास जाना पड़ता है। केंद्र सरकार जब निर्देश देती है तो लोग जो भी सरकार उत्तर प्रदेश की एक्शन लिए आप लोग के सामने है जी। तो ये जो जो इस प्रकार का भ्रष्टाचार है उन्होंने खुद इस आंकड़ों को खोला है जी। अब आते हैं, 7 साल हो गया, 8वां चल रहा है, सॉरी 6 साल हो गया, 7वां चल रहा है, एक भी पूरे उत्तर प्रदेश में, बहुत सारे बताते हैं हमारे यहाँ पैसे आ गए, एक भी दवा बनाने की फैक्ट्री या मेडिकल इक्विपमेंट की फैक्ट्री नहीं लग पाई है आज तक। तो वहां से कैसे मिलेगा जी, गांव स्तर पे दवाइयां नहीं है, आदरणीय विदेश पाठक जी ने जाके उसको बोला है जी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने एक शब्द न बिगड़ा स्वास्थ्य सेवाओं पे, उन्होंने अब शब्दों का संसदीय भाषाओं का प्रयोग किया, मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं उनसे भी अपेक्षा करूंगा कि वो गुंडा है क्या है, मवाली है, अपराधी है, क्योंकि इस विषय पे नहीं हो रहा, इससे जनता का भला नहीं होगा, इन शब्दों से हो सकता है इसका प्रशिक्षण दिया जाता हो, जनता का भला जिस जो आज विषय दिया गया है उसी से होगा, इससे नहीं होने वाला है। ठीक है, तो स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में नीति आयोग ने कह दिया कि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार फेल है। वर्तमान वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री ने कह दिया फेल है, जो अंतिम बात कह के बंद कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार एक ट्विटर अकाउंट चलाता है स्वास्थ्य मंत्रालय का, MHOGH GO, उस पे अगर देखिएगा तो उस पे आज के डेट में कितने चैतन्य हैं ये, उस पे आज के डेट में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जयप्रताप जी हैं, उस पे जो आखिरी ट्वीट है वो ट्वीट है, चेक कराइए भाई, वो ट्वीट है 15 फरवरी का जी। तो कितने जागरूक हैं स्वास्थ्य के मामले को लेके, ये बातें खुद ही बता, महत्वपूर्ण बात है भैया। आप तो ठीक है बेर भाई, अपनी बात पूरी करिए फिर तकी भाई को लेता हूं, बोलिए। देखिए ऐसा है, कम से कम जल्दी करिए गौरव जी जी, अभी परसों जी, 2 दिन पहले जी, अगर लखनऊ में आपको गाय पालनी है तो पहले 30 रुपए साल में आपको देना पड़ता था जी, 17% उसको बढ़ा करके जी 500 रुपए कर दिया जी। ये जनहित का मुद्दा है जी। इस मामले पर क्या सरकार संज्ञान लेगी जी, कि जो गौ सेवा के आधार पर लोगों के बीच में जाते हैं और कहते हैं कि हम इस तरीके का काम कर रहे हैं ताकि गोपालन को बढ़ावा मिले, फिर इस तरीके की व्यवस्था क्यों सामने आती है? अच्छा। दूसरी चीज, हमारे राष्ट्रीय लोकदल की मांग है कि गन्ना किसानों का भुगतान जी प्राथमिकता के आधार पर सरकार कराए। ठीक। और इस मामले को हम सदन में भी उठा चुके हैं। ठीक। सरकार को पत्र भी लिख चुके हैं। ठीक। और इसको लगातार हम उठाते रहेंगे जी। और इस किसानों के मुद्दों को जी हमारे चौधरी जयंत सिंह मानी जो जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने राज्यसभा में उठाया जी। तो प्रदेश सरकार जी जनहित के मुद्दों को सुने और उस पर कार्रवाई करे जी, ऐसी राष्ट्रीय लोकदल की मांग। ठीक है, तकी भाई अपनी बात करिए, समझी भाई के लिए ताकि कमेंट बोलिए, जल्दी बोलिए। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार का बजट जो है 5.5 लाख करोड़ का बजट है जी, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो स्वास्थ्य पर जो खर्च कर रही है 21,000 करोड़ कर रही है, जो 4% के आसपास है जी। तो टोटल बजट का उत्तर प्रदेश सरकार सिर्फ 4% स्वास्थ्य पे खर्च कर रही है, 21,000 करोड़ खर्चा कर रही है 5.5 लाख के बजट के अगेंस्ट में। और दिल्ली सरकार हल्ला बोल क्यों नहीं करते सरकार के खिलाफ, जितना अच्छा आंकड़े आपके पास है तो सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करिए भैया, आप हल्ला बोल क्यों नहीं करते सरकार के खिलाफ जी।
सर हम लोगों ने लगातार हल्ला बोल किया, लगातार प्रदर्शन किया है। हाँ। बीजेपी इतनी डरी हुई पार्टी है कि वो पार्टी कार्यालय से बाहर लोगों को निकलने नहीं देती। अच्छा। इतनी पुलिस आपको भी निलंबन किया गया? पूरी पुलिस किसी को नहीं निकल। अच्छा। अभी अभी हम लोगों ने प्रदर्शन किया था प्रदेश कार्यालय पे, इन्होंने पूरी छावनी बदल दिया था प्रदेश कार्यालय को, और रस्सी लेके खड़े हो गए थे, हम लोग को सड़क में निकलने नहीं दे रहे थे। रस्सी तोड़ी क्यों नहीं यार? रस्सी तोड़ते आप लोग? रस्सी तोड़ी हमने, बस बस को आगे बढ़ाया, लेकिन फौरन लोगों ने। अच्छा, संख्या कम थी यानी? चलिए ठीक है, ठीक है। शमसी भाई अपनी बात पूरी रखिए, फिर चर्चा को खत्म करता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए और देश के विकास के लिए काम कर रही है। विपक्ष का काम, और हम विपक्ष को मौका भी देते हैं, उनका अधिकार भी है कि हमारे ऊपर। विपक्ष को बिल्कुल मौका नहीं देते, विपक्ष को दबाने का काम करते हैं, विपक्ष भी क्या जवाब दे? अभी हमने जवाब दिया था तो ये बौखला गए थे, अपना आपा खो रहे थे। शांतिपूर्वक रखा जाए, बता रहे हैं की आंदोलन करना चाह रहे थे। अरे भाई, अगर सच है तो इनके साथ जनता होना चाहिए, और जनता इनके साथ अगर रहती तो फिर किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं कि इनको ना नजरबंद कर सके। क्योंकि पूरी तरीके से बीजेपी आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैटपुर चर्चा थी, और चर्चा थी यहाँ पर जो विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है उसमें घमासान की चर्चा के बीच तमाम तरह के मुद्दे उठाए गए, चाहे प्रयागराज में छात्रों की फीस वृद्धि का मुद्दा हो, चाहे गौशालाओं में गौपालन की फीस की बात हो, और चाहे अन्य जरूरी मुद्दे हों। पर सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण है। विपक्ष लगातार प्रयास कर रहा है, पर वो प्रयास अभी सत्र तक सीमित है, और सत्र के बाद आने वाले समय में 23 को सत्र खत्म हो जाएगा, फिर इन प्रयासों पे कितनी मोहर लगेगी, इन प्रयासों पे कितना धरातली संघर्ष होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये इतिहास गवा रहा है, जिस भी पार्टी ने संघर्ष किया है, लाठियां खाई हैं और लगातार जनता के मुद्दों के लिए लड़ाई की है, वही पार्टी आने वाले समय में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकी है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर संघर्ष की बात करें तो फिलहाल 8 महीने के अंतराल में कोई ऐसा संघर्ष देखने को नहीं मिला है जो ये बता सके कि हाँ, हम जनता के लिए हैं, और जनता के लिए अगर कोई गलत होगा तो उसके लिए हम लाठी भी खाएंगे, बैरिकेटिंग भी फाँगेंगे, और उस बात को हम संसद तक उठाएंगे। आज की चर्चा में इतना ही। मुझे निर्मल सिंह, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम